स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, अगर आप या आपका कोई भी जानने वाला दोस्त या फिर भाई बहन स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहा है तो स्टडी आईक्यू के नए इनिशिएटिव पीसीएस सारथी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। दोस्तों, इस साल 4 अक्टूबर को जापानीज एयर स्पेस के ऊपर फायर किए गए नॉर्थ कोरियन मिसाइल्स का निशाना साफ था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये कोई डायरेक्ट अटैक नहीं था, बल्कि एक सुपर पावर को दी गई कड़ी चुनौती थी जिसके कंसिक्वेंसेस काफी सीवियर हो सकते हैं। ईस्ट एशिया में साउथ कोरिया और जापान के साथ यूएस लेड मिलिट्री एक्सरसाइजेस को चैलेंज करते हुए नॉर्थ कोरिया इस न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग का लॉन्ग टर्म एजेंडा साफ है। नॉर्थ कोरिया का अथॉरिटेरियन लीडर किम जोंग उन न सिर्फ अपने देश के न्यूक्लियर और मिसाइल कैपेबिलिटीज को मजबूत बनाना चाहता है, बल्कि वो इस कैपेबिलिटी का इस्तेमाल यूएस लेड ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए भी यूज करना चाहता है। दरअसल 2006 में जब से नॉर्थ कोरिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया, तब से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में उसके खिलाफ लगभग एक डजन रेजोल्यूशंस पास किए गए। यूएस और उसके अलाइज द्वारा इम्पोज किए गए ये यूनिलेटरल सैंक्शंस में वेपन्स और मिलिट्री इक्विपमेंट ट्रेड बैन, न्यूक्लियर प्रोग्राम में इन्वॉल्व एसिड फ्रीज और दूसरे कंट्रीज के साथ नॉर्थ कोरिया के साइंटिफिक कॉपरेशन पर रेस्ट्रिक्शन शामिल हैं। लेकिन इन सैंक्शंस के बावजूद नॉर्थ कोरिया डीन्यूक्लियराइज होने को तैयार नहीं है, और उसके करंट न्यूक्लियर टेस्टिंग ट्रेंड को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि अगर उसे न्यूक्लियर पावर के तौर पर रिकॉग्नाइज नहीं किया गया तो यह एग्रेशन आने वाले समय में और भी इंटेंस होगा। उधर यूक्रेन में भी चल रहे रशियन अटैक का एक मेजर निशाना है यूएसए लेड मिलिट्री ऑर्डर, जिसके इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंटरनेशनल कंडेमनेशन के बावजूद रशिया द्वारा एक सोवन टेरिटरी पे किया गया हमला यूएसए के ग्लोबल डिक्लाइन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। जी हाँ, वही यूएसए जिसने वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद ग्लोबल ऑर्डर को शेप करने में एक मेजर रोल प्ले किया था, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस जैसे पीस कीपिंग ऑर्गेनाइजेशंस का फॉर्मेशन हो, या नेटो जैसी मिलिट्री अलायंस, या फिर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसे फाइनेंशियल सिस्टम्स। पोस्ट वॉर यूनिपोलर वर्ल्ड में कोई भी ऐसा पावर नहीं था जो यूएसए को मिलिटरली या इकोनॉमिकली टक्कर दे सके। नेचुरली ट्रेड, क्लाइमेट, रीजनल सिक्योरिटी और आर्म्स कंट्रोल रिलेटेड मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स में अमेरिकन डिप्लोमेसी एक डिटरमाइनिंग फैक्टर रही है, लेकिन मिलिट्री पावर, फाइनेंशियल माइट और कल्चरल डोमिनेंस के अलावा अमेरिकन हेजेमनी की एक और पिलर बनी उसकी डेमोक्रेटिक आइडियल। खुद को लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड का खिताब देने वाला अमेरिका अपने एक्सेप्शनलिज्म के दम पे दुनिया भर में अपने इन्फ्लुएंस को कभी ओवर्टली तो कभी कोवर्टली असर्ट करता रहा। वॉशिंगटन ने न सिर्फ रूल ऑफ लॉ पे बेस्ड एक इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ सोवन स्टेट्स का गठन करने का दावा किया, बल्कि इकोनॉमिक प्रेशर, मिलिट्री फोर्स, कोवर्ट एक्शन और डिप्लोमेटिक लेवरेज के थ्रू अपने सुपर पावर डोमिनियन को कायम रखा। पर इंटरनेशनल सिस्टम में यूएस डोमिनेंस के वो दिन अब बीती बातें हैं। आज रशिया और चाइना जैसे अथॉरिटेरियन पावर्स न सिर्फ अमेरिका के ग्लोबल रोल को फियर्सली कंटेस्ट कर रहे हैं, बल्कि इंडिया, जापान, इसराइल जैसी कंट्रीज भी रीजनल इकोनॉमिक और सिक्योरिटी डेवलपमेंट के थ्रू अपने इंडिपेंडेंट और इन्फ्लुएंशियल रोल को ग्लोबली असर्ट कर रही हैं। वैसे तो यूएस आज भी ग्लोबली मिलिट्री कैपेबिलिटी पजेस करता है, लेकिन ये उसके लीडरशिप को सस्टेन करने में नाकामयाब हो रहा है। एनालिस्ट की माने तो ग्लोबल स्टेज में अमेरिका का प्रेजेंस आने वाले समय में और भी घट जाएगा, जिसके चलते ऑटोक्रेटिक पावर्स अपने इन्फ्लुएंस को एक्सपैंड कर उसी लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर को बदल के रख देंगे जिसको अमेरिका पिछले 70 साल से ज्यादा प्रमोट करता आया है। तो सवाल यह है कि आखिर क्या वजह है कि करंट ग्लोबल ऑर्डर पे यूएस का कंट्रोल फिसलता जा रहा है, और कितना सीरियस हो सकता है इसका कंसिक्वेंस, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के GS2 के IR और GS3 के सिक्योरिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट सेक्शन के लिहाज से काफी ज्यादा है। इसके बारे में वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। अभी नहीं तो कभी नहीं। दोस्तों, यूपीएससी प्रीप्लस मेंस के लिए स्टडी आईक्यू का लास्ट लाइव फाउंडेशन बैच लॉन्च हो चुका है, जिसमें कुछ ऐसे यूनिक फीचर्स हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। 900 प्लस आवर्स का लाइव कंटेंट, यूपीएससी की आयरन गेट यानी प्रीलिम्स में आपको परिपक्व करने के लिए प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपके मेंस के आंसर में डिफरेंट डायमेंशंस ऐड करने के लिए और आपके सोचने के तरीके में डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऐड करने के लिए मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाई जाएगी, और आपके डाउट्स को किसी भी समय क्लियर करने के लिए आपको एक गेम चेंजिंग फीचर मिलेगा जो है 1-to-1 मेंटोरशिप, जिसके अंतर्गत आपको एक मेंटोर अलॉट किए जाएंगे जिनके साथ आप एकेडमिक और नॉन एकेडमिक डाउट्स कभी भी क्लियर कर सकते हैं, और रेगुलर बेसिस पे फॉर्मर एंड वर्किंग ब्यूरोक्रेट्स के साथ ग्रुप मेंटोरशिप भी इन बैचेस का इंपॉर्टेंट फीचर है।
और दोस्तों ये सब कुछ आपको मिल सकता है मात्र 18,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। इन बैचेस में एडमिशन की लास्ट डेट 31st of October है, जिसमें क्लासेस की टाइमिंग इवनिंग 6 PM रहेगी। तो अब आप भी अपनी UPSC की तैयारी की तरफ एक फाइनल कदम उठाइए और AG लाइव कूपन कोड को यूज करके देश के सर्वश्रेष्ठ UPSC लाइव बैचेस को ज्वाइन करिए। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों पोस्ट वॉर दशकों में US का शार्प राइज मेनली 3 पिलर्स पे बेस्ड था। इनमें से पहला था इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, जिसके बल पे उसने अपने रुतबे को कायम किया। फॉर एग्जांपल वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान इसी इकोनॉमिक पावर के चलते वो 122 एयरक्राफ्ट कैरियर्स और लार्ज क्वांटिटीज में एरोप्लेन्स प्रोड्यूस कर पाया था। इससे न सिर्फ US फोर्सेस बल्कि अलाइड पावर्स को भी फायदा हुआ था, जिससे वो जापान और जर्मनी जैसे एक्सिस पावर्स को हरा पाए। जहां वॉर में यूरोप, जापान और रशिया का प्रोडक्शन पावर बुरी तरीके से अफेक्टेड हुआ था, वहीं US अकेला ऐसा देश था जिसके इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इंटैक्ट रहे और दुनिया भर के टोटल इकोनॉमिक आउटपुट का आधा शेयर प्रोड्यूस करते थे। यही नहीं, वॉर के डिस्ट्रक्शन से राख हो चुके यूरोप को रिबिल्ड करने में अमेरिकन डॉलर्स का एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन था। $13 बिलियन के मार्शल प्लान ने यूरोप को अपने पैरों पर खड़े होने में मदद करी। इसके अलावा थर्ड वर्ल्ड की कई नेशंस, खासकर न्यूली इंडिपेंडेंट बने देशों के रिकंस्ट्रक्शन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए अमेरिका ने UN में बिलियंस ऑफ डॉलर्स कंट्रीब्यूट किए थे। अमेरिकन स्ट्रेंथ का दूसरा सोर्स उसका मिलिट्री पावर और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट रहा है। दोस्तों वो अकेला ऐसा पावर है जिसने हर कॉन्टिनेंट में अपने बेसिस एस्टैब्लिश किए और वियतनाम से लेकर इराक तक कई मिसगाइडेड डिसीजंस और फॉरेन पॉलिसी फेलियर्स के बावजूद भी अपने पावर को मेंटेन करता रहा। वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद अमेरिकन मिलिट्री का एक मैसिव एक्सपेंशन देखा गया। उसके पास 12 मिलियन से भी ज्यादा ट्रूप्स, 1000 से ज्यादा वॉरशिप्स और लगभग 41,000 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स थे। आने वाले दशकों में वॉशिंगटन ने यूरेशिया को हजारों मिलिट्री बेसेस और स्ट्रेटजिक बॉम्बर्स और वॉरशिप से घेर लिया था, जिससे वो अपने कोल्ड वॉर राइवल्स चाइना और सोवियत रशिया को कंटेन कर सके। US हेजेमनी की थर्ड पिलर उसके डेमोक्रेटिक आइडियल्स रहे। कोल्ड वॉर के एंड में सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बाद पॉलिटिकल सिस्टम और फिलॉसफी के तौर पे कम्युनिज्म का अपील गिरता गया। दूसरी तरफ कोल्ड वॉर के बाद अमेरिका सोल पावर बनके उभरा और इस यूनिपोलर वर्ल्ड में फ्री ट्रेड, डेमोक्रेसी और फ्रीडम ऑफ स्पीच जैसे अमेरिकन आइडियल्स को दुनिया अडॉप्ट करने लगी। वैसे तो अमेरिका ने कोल्ड वॉर को जीत लिया था, लेकिन उसके टैक्टिक्स के चलते कई नेशंस को एक भारी कीमत चुकानी पड़ी। फॉर एग्जांपल एशिया और लैटिन अमेरिका में US इंटरवेंशंस के चलते ब्रूटल मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स का राज चला। इंडो चाइना में लाखों लोगों की मौत हो गई और सेंट्रल एशिया, सेंट्रल अमेरिका और सदर्न अफ्रीका की कई सोसाइटीज तबाह हो गई। अमेरिका के पावर और प्राइड का शायद सबसे पीक मूवमेंट था 2003 का इराक इन्वेजन, जिसके थ्रू वो मिडिल ईस्ट के ऑयल रिसोर्सेज और पॉलिटिक्स पे कंट्रोल एस्टैब्लिश करना चाहता था। दोस्तों लेकिन यहीं से अमेरिका के डिक्लाइन की कहानी भी शुरू होती है, क्योंकि इराक वॉर ने यह साफ कर दिया कि मिलिट्री पावर के थ्रू पॉलिटिकल चेंज लाने में अमेरिका ने अपने आप को ओवर एस्टिमेट किया था। 2003 के दशक के एंड तक अमेरिका लेड ग्लोबलाइजेशन की इनइक्वालिटीज स्ट्रांगली उभर के सामने आई थी, जिससे अमेरिकन लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी वीकन होने लगी। ये सच है कि पोस्ट कोल्ड वॉर में ऐसी यूनिपोलैरिटी इतिहास में कभी भी देखने को नहीं मिली, लेकिन आज सिचुएशन कुछ और है। इनफैक्ट ब्रिटिश जर्नलिस्ट गिडियन रैचमन का कहना है कि अमेरिका इन फ्यूचर वो ग्लोबल डोमिनेंस कभी नहीं एंजॉय कर पाएगा जो उसने 1991 सोवियत यूनियन के कोलैप्स और 2000 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बीच किया था। इसके अलावा करंट मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में चाइना, रशिया, इंडिया, यूरोप जैसे सेंटर्स तेजी से वर्ल्ड वाइड अपना फुटप्रिंट एस्टैब्लिश कर रहे हैं। वॉशिंगटन कंसेंसस यानी अमेरिका के इकोनॉमिक पॉलिसी प्रेस्क्रिप्शंस की बात अब और नहीं होती, बल्कि आज दुनिया बीजिंग कंसेंसस या मुंबई कंसेंसस को लेकर चर्चा कर रही है। इंटरनेशनल एरिना में अमेरिका के इस डाउनटर्न के पीछे कई रीजंस हैं, इसके चलते वर्ल्ड ऑर्डर में आज एक पावर शिफ्ट देखने को मिल रहा है। आइए जानते हैं वो क्या है। 21st सेंचुरी अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के खिलाफ सबसे बड़ा इल्जाम ये है कि वो एक्सेसिव फोर्स, अनरियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रेटजिक मिसकैलकुलेशन पर डिपेंडेंट है। और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है अमेरिका का वॉर ऑन टेरर, जो अल्टीमेटली एक काउंटर प्रोडक्टिव पॉलिसी साबित हुई, जिसने रेडिकलिज्म और टेररिज्म को लिमिट करने के बजाय और भी स्प्रेड करने में मदद की और अमेरिका की ग्लोबल क्रेडिबिलिटी को नेगेटिवली इफेक्ट किया।
सितंबर 11, 2001 को अलकायदा द्वारा किए गए भयानक हमले के जवाब में अमेरिका ने अपनी नेशनल टेरिटरी और फॉरेन बेसिस को प्रोटेक्ट करने के लिए यूनिलेटरल मिलिट्री इंटरवेंशन को इंटेंसिफाई कर दिया और अलकायदा का पीछा करते हुए अफगानिस्तान और इराक को इन्वेड किया। लेकिन इन कंट्रीज में टेररिज्म को मिटाने और डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करने के नाम पे किए गए इंटरवेंशन से यूएस को सिर्फ नाकामयाबी ही हासिल हुई। इराक में अमेरिकन इन्वेजन से हुए इंस्टेबिलिटी के चलते आईएसआईएस यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया जैसे खतरनाक इंटरनेशनल रेडिकल आउटफिट्स का रास्ता साफ हो गया और अफगानिस्तान में अमेरिकन फेलियर का नजारा तो आप शायद नहीं भूले होंगे। पिछले साल अगस्त में अमेरिका ने अफगानिस्तान को उसी तालिबान के हाथों खो दिया जिसके खिलाफ उसने 20 साल तक जंग लड़ी। इराक और अफगानिस्तान का स्पिलओवर इफेक्ट पूरे मिडल ईस्ट पे पड़ा जो आज अनएंडिंग रिलीजियस और पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स में उलझा हुआ है। आप आज चल रहे सीरियन सिविल वॉर को ही देख लीजिए जहां ये कहना मुश्किल है कि कौन किसके खिलाफ लड़ रहा है क्योंकि वॉर सिर्फ सीरियन प्रेसिडेंट बशर अल असद के रजीम और उसके ऑपरेशन के बीच नहीं रही। जिस मिडल ईस्ट को यूएस अपनी मुट्ठी में रखना चाहता था उसी मिडल ईस्ट में आज वो चाइना और रशिया के खिलाफ स्ट्रगल करता हुआ नजर आ रहा है। अफगानिस्तान से शर्मनाक विथड्रॉल, ईरान के साथ न्यूक्लियर नेगोशिएशन पर चल रहा डिस्प्यूट और सऊदी अरेबिया के साथ ग्लोबल एनर्जी पॉलिसी जैसे इश्यूज के चलते यूएस अपना लीडरशिप रोल खो चुका है और कभी उसके क्लोज पार्टनर्स रहे मिडल ईस्टर्न स्टेट्स आज उसके राइवल्स का साथ दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल चाइना आज गल्फ का लार्जेस्ट ऑयल बायर है और वो इस रीजन में कई इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहा है। यहां तक कि सऊदी अरेबिया का साथ तो उसने बैलिस्टिक मिसाइल डेवलपमेंट में भी पार्टनरशिप करी है। वहीं चल रहे रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में एक न्यूट्रल स्टैंड रखते हुए गल्फ स्टेट्स रशिया को आइसोलेट करने में यूएस लेड एफर्ट्स को भी अंडरमाइन कर रहे हैं। यही नहीं, वो सैंक्शंस के तले दबे रशिया के साथ ऑयल प्रोडक्शन ना इंक्रीज करने के एग्रीमेंट पे भी अड़े हुए हैं ताकि वेस्टर्न पावर्स प्राइस कैप को ना इंट्रोड्यूस कर पाए। मिडिल ईस्ट में यूएस के द्वारा फेस किया जा रहा ट्रस्ट डेफिसिट उसके इनकंसिस्टेंट पॉलिसी का नतीजा है। फॉर एग्जांपल सालों से यूएसए एंटी वेस्टर्न ईरानियन एस्टैब्लिशमेंट को कभी अपीज और कभी आइसोलेट करने की कोशिश में लगा हुआ है। अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ यूएस सैंक्शंस के बावजूद ईरान आज एक असर्टिव और इन्फ्लुएंशियल रीजनल पावर बनके सामने आया है जिसका सबसे बड़ा एसेट है उसका मिलिट्री डेवलपमेंट। इसके अलावा टर्की जैसे राइजिंग रीजनल पावर्स भी इन दिनों अपने नेटो एलाई यूएसए के प्रेफरेंसेस को साइडलाइन करके इंडिपेंडेंटली एक्ट कर रहा है। दुनिया भर में ऐसे पावर्स का राइज एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को सामने लाया है जहां यूएस का सुप्रीम डोमिनेंस पॉसिबल नहीं है। दोस्तों ये एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर है जहां कई राइजिंग पावर्स अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को क्लेम कर रहे हैं। नेचुरली चाइना का नाम इनमें पहले आता है जो अपने एक्सपैंडिंग मिलिट्री और इकोनॉमिक सुपर पावर के बदौलत कुछ ही सालों में यूएसए को पीछे छोड़ सकता है। ग्लोबल पॉलिटिक्स में आज चाइना लगभग यूएसए जैसा पावरफुल रोल प्ले कर रहा है, चाहे वो डिस्प्यूटेड साउथ चाइना सी में आर्म्ड आर्टिफिशियल आइलैंड्स का डेवलपमेंट हो या जिबूटी में मिलिट्री बेस। यही नहीं, चाइना अपने मल्टी बिलियन डॉलर मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी बीआरआई के थ्रू अपने क्लाइंट स्टेट्स का एक नेटवर्क बनाने में लगा है। एशिया के साथ अब वो मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में भी अपने फुटप्रिंट्स एक्सपैंड कर रहा है। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक और रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जैसे मल्टीलेटरल मैकेनिज्म्स का ग्रोथ इस बात की गवाही देता है कि यूएस लेड इकोनॉमिक और सिक्योरिटी मॉडल इमर्जिंग रीजनल प्लेयर्स के लिए आउटडेटेड बन चुका है। चाइना के साथ रशिया भी वर्ल्ड ऑर्डर के सेंटर को वेस्ट से ईस्ट तक खींच लाया है। इन स्ट्रेटजिक पार्टनर्स के इंटरेस्ट इंक्रीजिंगली कॉमन होते जा रहे हैं और यूएसए के साथ यूरोप की वीकनिंग टाइज का फायदा उठाते हुए दोनों सेंट्रल एशिया और ईस्टर्न यूरोप जैसे रीजन्स अपने पार्टनरशिप ऑप्शंस एक्सपैंड कर रहे हैं। जैसे कि 2017 और 18 के बीच रशियन गैस कंपनी गैसप्रोम ने हंगरी में अपना नेचुरल गैस एक्सपोर्ट 57.7% तक इंक्रीज कर दिया। इसी हंगरी के कैपिटल बुडापेस्ट में बैंक ऑफ चाइना का रीजनल हेडक्वार्टर सिचुएटेड है। इंडिया की बात करें तो वो इस मल्टीपोलर सिनेरियो में एक और मेजर प्लेयर है जो एक स्ट्रेटजिक बैलेंस मेंटेन करता हुआ नजर आ रहा है। जहां एक तरफ वो चाइना और रशिया के साथ एससीओ जैसे प्लेटफॉर्म्स पे एंगेज कर रहा है, वहीं यूएसए के साथ इंडो पैसिफिक में अपने रोल को एक्सपैंड करने के लिए क्वाड में भी पार्टिसिपेट कर रहा है। हाल फिलहाल में चल रहे यूक्रेनियन क्राइसिस के दौरान रशिया के साथ क्लोज डिफेंस टाइज कंटिन्यू करने के बावजूद भी इंडिया के खिलाफ यूएसए सैंक्शंस नहीं ला पाया और उसका एक इम्पॉर्टेंट रीजन ये है कि यूएसए के स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव्स के लिए इंडिया की पार्टनरशिप क्रूशियल है। इनफैक्ट अमेरिका ने अपने रीसेंट नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में चाइना और रशिया को मेजर जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस डिक्लेयर करते हुए इंडिया के पार्टनरशिप में एम्फेसाइज किया है।
इस एनएसएस में इंडिया के अलावा ऑस्ट्रेलिया, जापान, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल और साउथ अफ्रीका जैसे कंट्रीज को एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर के तौर पे मेंशन किया गया है और इससे यूएस की बढ़ती इनसिक्योरिटी साफ झलकती है। दोस्तों, यूएस हेजिमनी की डिक्लाइन के पीछे अगर किसी एक फैक्टर का सबसे मेजर इंपैक्ट रहा है तो वो है अमेरिका का ये अजम्पशन कि उसके आइडियल्स और पॉलिसीज दुनिया पर कहीं भी एप्लीकेबल हैं। अफगानिस्तान हो या हाइती, अमेरिका अपने एजेंडा के लिए कंटिन्यूसली एक इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी को प्रायोरिटी देता आया है, इस बात की परवाह किए बिना कि इन कंट्रीज के अपने कल्चरल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट हैं। डेमोक्रेटिकली वीकर कंट्रीज में इंडिविजुअल लिबर्टी को प्रमोट करने के आड़ में अमेरिका ऐसी पॉलिसीज को इनकरेज करता रहा जिससे डेथ और डिस्ट्रक्शंस के अलावा दुनिया में कुछ लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो गए और अनफॉर्चुनेटली अमेरिका अपनी गलतियों से नहीं सीखता। अब पाकिस्तान के साथ उसके एंगेजमेंट को ही ले लीजिए। अमेरिका लगातार पाकिस्तान जैसे देश को सपोर्ट करता आया है जिसे टेररिज्म का गढ़ माना जाता है, चाहे वो 1971 इंडो पाक वॉर के दौरान पाकिस्तान के सपोर्ट में बे ऑफ बंगाल में अमेरिकन टास्क फोर्स का डिप्लॉयमेंट हो या फिर हाल ही में किए गए डिफेंस डील जिसके तहत पाकिस्तान यूएस सप्लाइड F-16 फ्लीट को मॉडर्नाइज कर पाएगा। पाकिस्तान के साथ यूएस का ये एंगेजमेंट ना सिर्फ इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी के लिए बल्कि साउथ एशिया के रीजनल स्टेबिलिटी के लिए एक परपेचुअल थ्रेट है। अमेरिका के शॉर्ट टर्म जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशंस के डेंजरस इंपैक्ट ने कई रीजनल प्लेयर्स को एलिनेट कर दिया है और आज इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में जिस तरह वो अपने सिक्योरिटी, इकोनॉमिक और डिफेंस टाइज को डाइवर्सिफाई कर रहा है उससे तो ये साफ है कि अमेरिकन हेजिमनी की कहानी खत्म हो चुकी है या फिर बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। तो दोस्तों, ये था एक डिस्कशन यूएसए के ग्लोबल डिक्लाइन पर। इस मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और जैसे कि वीडियो के पहले भाग में हमने आपसे बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है तो उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज, हाउ हैज द इमर्जिंग मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर अफेक्टेड अमेरिकन हेजिमनी? एंड विद दिस क्वेश्चन माई फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।